फाइनली आज चारों टायरों से एक फोर व्हीलर बनाएंगे। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया था भाई एक फोर व्हीलर बनाओ। फोर व्हीलर बनाने के लिए टायर में शाफ्ट फिट करना होगा, लेकिन हम डायरेक्ट शाफ्ट को फिट नहीं कर सकते। उसके लिए हम नट के साथ शाफ्ट को वेल्डिंग करेंगे। उसके लिए हमें दो बेयरिंग फिट करना होगा शाफ्ट के साथ। फिर हमें इस तरीके से दो वाशर को वेल्डिंग करना है शाफ्ट के साथ। वाशर लगाने से चलते टाइम टायर नीचे नहीं आएगा। अब हमें टायर घुमाने के लिए एक गियर फिट करना होगा। तो पीछे वाले टायर को हमने बिल्कुल फिट कर लिया है, लेकिन इस तरीके से हम आगे वाले टायर को फिट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दो शाफ्ट लगाने होंगे। फिर हमें इस पाइप को बीच में से कट करना है। फिर हमें पाइप में दोनों बेयरिंग को फिट करना होगा, क्योंकि हम इसमें आगे वाले टायर को फिट करेंगे। अब हमें फोर व्हीलर के लिए एक बॉडी तैयार करना होगा। और साथ ही साथ दोनों टायरों को घुमाने के लिए हमें एक चेन फिट करना होगा। और चेन को हमें एकदम सीधा करके यहाँ पर फिट करना है, नहीं तो चलते टाइम चेन उतर सकता है। अब इस पूरे सेटअप को हम यहाँ पर वेल्डिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर साइकिल हब्स के साथ इस पाइप को वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि हम इन हब्स के सहारे दोनों टायर को किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। आगे वाले टायर फिट करने के लिए हमें इन रॉड को काटना होगा। तो लगभग हमारे फोर व्हीलर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे चलाने के लिए एक मोटर फिट करना होगा। और साथ ही साथ हमने छोटे चेन को हटा के एक बड़े वाले चेन को फिट किया है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ स्पेशल इलेक्ट्रिक साइकिल मोटर को फिट करूँगा। तो जल्दी से मोटर को यहाँ पर फिट कर लेते हैं। हम चाहते तो मोटर के स्टैंड को यहाँ पर नट से कस सकते थे, लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पर स्टैंड को सही दिशा में करके वेल्डिंग कर दूंगा। अब हमें फोर व्हीलर में स्टीयरिंग फिट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल के पुराने चेन से स्टीयरिंग खुद से बनाऊंगा। और साथ ही साथ हमें दो रॉड को भी अंदर वेल्डिंग करना है।
फिर हम इस स्टीयरिंग को वेल्डिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पर बैठने के लिए एक सीट फिट करना है, लेकिन मैं जो हूँ इस स्केटबोर्ड के सीट को काट करके यहाँ पर वेल्डिंग करूंगा। हे गाइस, अब हमारे फोर व्हीलर पूरी तरीके से रेडी है। अब हम इसे तोड़ फोड़ के चलाएंगे। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसे चलाने के लिए, तो जल्दी से चलिए इसमें बैटरी फिट करके इसे चलाते हैं। तो देख सकते हो हमारे फोर व्हीलर के स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसे चलाने के लिए एक 24 वोल्ट बैटरी चाहिए। बैटरी कहाँ से लाए? मेरा तो सर फट रहा है। अरे हाँ, मैंने तो नया एक 24 वोल्ट बैटरी बनाया है, चलो उसी को ले आते हैं। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये रहा है हमारे 24 वोल्ट बैटरी, इसको मैंने कल बनाया था। अब हम इसे तेज स्पीड में चलाएं। हम इसे डायरेक्ट नहीं चला सकते, हमें एक कंट्रोलर फिट करना होगा, और फोर व्हीलर को ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक की फिट करना होगा, और इसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए हमें एक थ्रॉटल फिट करना होगा। तो चलो जल्दी से सारे चीजों को फिट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोलर के साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे, फिर हम मोटर के साथ कंट्रोलर जोड़ेंगे, अब हमें कार की को भी फिट करना होगा। सारी चीजों को फिट करने के बाद हम इस बॉक्स को अच्छी तरीके से पैक कर देंगे। तो चलो फोर व्हीलर को चलाते हैं। लेकिन मैं अगर इसके ऊपर चढ़ूंगा तो भाई टायर टूट सकता है, इसीलिए हमारे छोटू भाई इसको चलाएगा। मैं लास्ट में थोड़ा सा चला के आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? ठीक है चलाओ, थोड़ा सा धीरे चलाना। तो मेरी वजन के वजह से टायर जो है हमारा टूट चुका है। तो भाई हमें पता चल गया कि टायर काफी कमजोर है। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को